ठीक है, तो हमारा एक करिकुलम जब होगा तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, तो हमारा करिकुलम का मेन पर्पस होना चाहिए कि उसमें एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, उसका सोशल प्रोग्रेस उससे जुड़ा हुआ हो, और ये भी ध्यान देना है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जिसको ये चीज जिसमें ध्यान दिया जाए कि हर एक लेवल में, मतलब प्राइमरी लेवल के बुक्स अलग होते हैं, पर्पस अलग होते हैं, सेकेंडरी लेवल पर्पस अलग होता है, और हायर एजुकेशन का पर्पस अलग होता है, तो इस पर्पस को भी ध्यान में रख के करिकुलम बनाए कि नहीं ये भी उसमें होना चाहिए। फैसिलिटेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा दे। अफेक्ट कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये तीनों डोमेन का डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा दे। हेल्प दिस डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल उसमें बढ़े, और प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशंस वोकेशंस एट सर्टेन डिफाइंड लेवल्स। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोफेशन के लिए तैयार करे, डिफरेंट वोकेशंस के लिए तैयार करे, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन इन सर्टेन फील्ड्स ब्रांचेस एट स्पेसिफाइड लेवल्स। उसके साथ साथ अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन की करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा करिकुलम किसी स्पेसिफाइड फील्ड में आपको स्पेशलाइज्ड करें, मतलब आप जैसे इंजीनियरिंग करते हैं या आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप स्पेशलाइज्ड होते हैं। इंकरेज लिबरल एजुकेशन फॉर कल्चरल अपलिफ्टमेंट, और लिबरल एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाए जिसमें कि आपका ये सब आता है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच सब आता है या कल्चरल स्टडीज आता है, तो ये ऐसा करिकुलम भी होना चाहिए जिसमें कि हमारे जो सोशल डेवलपमेंट्स हैं, हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी उसमें सेटिस्फाई किया जाए। उसके साथ साथ देखिए, अगर करिकुलम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक करिकुलम अगर है तो उसका एम्स ऑफ करिकुलम यहाँ लिखा हुआ है, तो सब्सटेंसिव क्राइटेरिया। सब्सटेंसिव क्राइटेरिया का मतलब है कि एक करिकुलम के अंदर उसका फिलोसफिकल बेस होना चाहिए, सोशोलॉजिकल बेस होना चाहिए एंड साइकोलॉजिकल बेस होना चाहिए। इसके बिना हमारा अगर कोई एक करिकुलम है जिसमें ये सब नहीं है तो वो करिकुलम जो है वो सही नहीं होगा। उसमें फिलोसफिकल बेसिस, सोशोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस को अवश्य ही ध्यान दें। एक्सटेंसिव क्राइटेरिया है मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होना ही चाहिए, उसके बिना हम करिकुलम को सोच ही नहीं सकते। अगर ऐसा कोई करिकुलम है या ऐसे कोई करिकुलम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो करिकुलम सही नहीं होगा। उसी के साथ साथ प्रोसीजरल क्राइटेरिया भी उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम लोअर लेवल का बात करें तो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस उसमें दिखे, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स को वो सेटिस्फाई करे, लोकल लेवल का डिमांड्स को सेटिस्फाई करे, जोनल नेशनल। तो हमारा करिकुलम जिस लेवल तक का है, हमारा एक इंस्टीट्यूशन के लिए बना है, हमारा एक स्टेट के लिए बना है या नेशनल लेवल के लिए बना है, ये सारे चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एक करिकुलम सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे अगर हम लोग अपना सिलेबस की बात करें, एमएड ये सब का सिलेबस के लिए, तो बीएड सिलेबस आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ईयर वाइज चल रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उसके लिए तैयार हो सकता है। इंस्टीट्यूशन बोलता है कि नहीं हम लोग सेमेस्टर कर देंगे, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, वो इतना ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, उनके पास ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसके कारण वो लोग सेमेस्टर सिस्टम को नहीं लेके आ सकते। तो अगर हम लोग स्टेट लेवल का बात करेंगे तो हमको उस समय सोचना पड़ेगा कि नहीं हमको ईयर वाइज ही आपको सिलेबस बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट रहता तो आप सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह का हमारा लेवल है, इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हैं तो हम बहुत सारे इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल तक जाने की बात होती है तो हमारा नेशनल लेवल तक का अगर हम बात करते हैं तब जाके उस समय दूसरा क्राइटेरिया सबको हमको देखना पड़ेगा, जिससे कि सबका नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सके। ठीक है,
तो अब देखिए, आपको जब हमने अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बात किए थे, तो आपको मैं दो दो प्रोसेस के बारे में बताया था। एक बताया था आपका टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच और एक था आपका नॉन टेक्निकल या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो हमारे करिकुलम का चुनाव के समय भी हमारा करिकुलम किस तरह का होगा, करिकुलम के बारे में हम लोग जब सोच रहे हैं तो उस समय भी हमको ये ध्यान देखना होगा। है वो किस तरह का साइंटिफिक अप्रोच का है या नॉन साइंटिफिक अप्रोच को हम जाना था। ये तो दो मैंने बताया था, जिसमें से साइंटिफिक अप्रोच में टावा और टाइलर मॉडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और सिस्टम एनालिसिस मॉडल के बारे में डिस्कस की थी। इसके साथ साथ सॉरी यहाँ पे सर, डिस्टर्ब करने के लिए सर, मेरा कनेक्शन थोड़ा लेट हुआ सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो हम लोग आज एक क्राइटेरिया फॉर गुड करिकुलम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या आपके टॉपिक आपके जो सिलेबस में होगा, क्राइटेरिया फॉर ए करिकुलम मॉडल या सिलेक्शन ऑफ ए मॉडल, एक सिलेक्टिंग सेलेक्टिंग ए मॉडल, एक करिकुलम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके किन बातों का ध्यान रखें, उसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें हमने बात ये अभी तक यही किया है कि आपका जो करिकुलम होगा उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो उसमें आपका बताया गया था कि उसमें सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और आपका कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कुछ सब्सटेंसिव क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल करे। एक करिकुलम अगर है के अंदर फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ये सारे चीजों को ध्यान में रख के करिकुलम बनाना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ आपका करिकुलम किस लेवल का है, इंडिविजुअल लेवल का बात कर रहा है, जोनल लेवल का बात कर रहा है, लोकल लेवल का बात कर रहा है या नेशनल लेवल का बात कर रहा है, उसके हिसाब से ही हमारा करिकुलम को डिसाइड करना है। इससे आगे बढ़ते हुए हम बता रहे थे अप्रोचेस टू करिकुलम। अगर एक करिकुलम को डेवलपमेंट का बात आता है तो इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक मॉडल के बारे में हमने बात किया था जब हम, और उसमें साइंटिफिक टेक्निकल मॉडल में हमने टाइलर और टावा का बात किया था। तो इसके साथ साथ और कुछ अप्रोचेस के बारे में हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। पहला जो है वो बिहेवियरल नेशनल अप्रोच, जैसा कि ये बहुत हद तक साइंटिफिक मॉडल से मिलता जुलता है। बिहेवियर नेशनल अप्रोच में हो गया, इट हैज इट्स रूट्स इन द बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी एंड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनलिज्म इन साइंसेस अंडर विच पीपल रिलेट ए टेंजिबल और ऑब्जर्वेबल कंडीशंस और डिस्पोजिशन ऑफ ए ह्यूमन बींग टू ए पर्टिकुलर लर्निंग एक्टिविटीज। किसका मतलब ये है कि साइंटिफिक जो साइंटिफिक टेक्निकल मॉडल था उस तरह से ये काम करता है। अगर किसी भी चीज को हम लोग मेजर कर सक रहे हैं, ऑब्जर्व कर सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि तभी वो घटना घट रही है ना। तो हमारा टीचिंग लर्निंग में भी हम लोग कॉन्टेंट डिसाइड करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं और बच्चा उसको कितना समझा है उसके लिए हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। और इवैल्यूएशन में अगर उसका मार्क्स अच्छा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे ने प्रोग्रेस किया है। जैसे एग्जांपल में दिया, फॉर एग्जांपल यू मे विश टू इंडिकेट दैट ए पर्सन अप्रिशिएटेड ए पोएम, हाउएवर नो वन हैज एवर सीन एन अप्रिसिएशन। कोई एक किसी कविता का अप्रिसिएशन करता है, तो अप्रिसिएशन अगर कोई कर रहा है तो अप्रिसिएशन एक्चुअली में क्या है वो कोई देखा नहीं, तो उसको अगर देखने लायक बनाना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स में कन्वर्ट करा जाए या डिस्क्रिप्टिव्स में कन्वर्ट किया जाए, बहुत अच्छा था या अच्छा था। तो उस तरह से अगर कोई करेगा तब वो एक मेजरेबल टर्म में आएगा, उसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना, डिस्क्राइब उसको करना होगा। तो बिहेवियरल रैशनल अप्रोच हो सकता है, इसके आधार पर आपका करिकुलम डिसाइड हो सकता है या आप साइंटिफिक या साइंटिफिक अप्रोच से मिलता हुआ है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच, इट आइडेंटिफाइज थ्री फंडामेंटल फैक्टर्स। इसमें तीन चीजों पर ध्यान बात है, एक है लर्नर, देन द सोसाइटी, द ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट मैटर। तो लर्नर का नीड रिक्वायरमेंट उसको बारे में सोचिए आप, सोसाइटी क्या डिमांड करता है, सोसाइटी किस तरह का है उसके बारे में सोचिए आप, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है या ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसके बारे में सोचिए, और आपके सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोचिए। तीनों चीज को जब आप मिला के देखते हैं तब जाके आपका करिकुलम बनता है। इट एडवोकेट्स दैट दी थ्री फैक्टर्स शुड बी व्यूड एज ए होल एंड नॉट इन आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर। ऐसा नहीं, तीनों को साथ में लेके आप सोचते हैं, जब करिकुलम के बारे में आप सोचेंगे तो ये तीनों को साथ में मिला के आपको सोचना होगा। व्हेन यू लुक एट
them as separate entities, the inevitable happens. अगर तीनों को आप अलग अलग देखें कि स्टूडेंट के बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, और फिर सब्जेक्ट के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या कंटेंट है, उसका लेवल क्या है, तीनों का अगर अलग अलग आप सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि तीनों को साथ में लेके सोचिए। The mismatch between needs and what is available to fulfill those needs. हम अगर कंटेंट में ऐसा ऐसा एक्टिविटीज ऐसा सब हम डाल दें जिसको कि स्टूडेंट सोसाइटी में देखते ही नहीं, या उसको सॉल्व करने के लिए उसको रिसोर्सेस ही नहीं मिलेगा, तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। Obviously, any formulation of objective should have as its base the following three sources of curriculum: studies of the learner, लर्नर का स्टडी, स्टडीज ऑफ द कंटेंपरेरी लाइफ एंड इट्स नीड्स, एंड सजेशन फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपना व्यू पॉइंट दें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, फ्यूचर लाइफ कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उसके बारे में सोचा जाए, और लर्नर के रिक्वायरमेंट्स को भी सोचा जाए। तो ये एक होता है इंटेलेक्चुअल एकेडमी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है जिसके द्वारा आप अपना करिकुलम को डिसाइड कर सकते। सर एक यहाँ आप एक सोसाइटी को एक लर्नर से कैसे कोरिलेट करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सोसाइटी को कैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हाँ मतलब लर्न यस बोलिए बोलिए जी सर, हम वही कह रहे थे कि मतलब एक लर्नर जो होगा वो सोसाइटी के नीड्स को कैसे फुलफिल करेगा, और एक सोसाइटी लर्नर को कैसे उसके नीड्स को, मतलब दोनों एक दूसरे को कैसे कोरिलेट करेंगे। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा जो सोसाइटी है वो हमारी सोसाइटी जो है वो कहीं किसी और दूसरे कंट्री की सोसाइटी से अलग होगी। हम यहाँ पे जो चीज जिस तरह से स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स, उसके बिलीफ सिस्टम, वो सब कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे कि जितना रिस्पेक्ट वो टीचर को दे के यहाँ देता है, हमारे कंट्री में देता है, वो अगर बाहर के कंट्री में जाएंगे तो उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे लोग गैजेट पे, इंस्ट्रूमेंट पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि टीचर के बात पे। तो हमारा जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि के तरह काम करता है हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने में, पढ़ाने में, उनको उनके उनके डेवलपमेंट में। या एग्जांपल में अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ही देते हैं, वो एग्जांपल सब ऐसा दें जो कि वो सोसाइटी में देखता ही नहीं है ना। हम कुछ कहानी सुना रहे हैं, हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग लिफ्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एक गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो तो कभी देखे ही नहीं है मॉल क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, तो इसलिए वो उनके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस तरह की सोसाइटी किस तरह से है, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारा लर्नर का डेवलपमेंट भी उसी पर डिपेंड करेगा। लर्नर को भी क्या दिया जाएगा वो भी उसके साथ ही जोड़ के देखना, तीनों को साथ में, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी जब सोचेंगे तो वो सोचेंगे टॉपिक के बारे में, सोचेंगे कि हाँ ये कंटेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एग्जांपल क्या देना है, वो उसको एग्जांपल देते समय सोसाइटी के बारे में सोचेंगे कि सोसाइटी के लिए ये एग्जांपल सही होगा कि नहीं, इन बच्चों के लिए एग्जांपल सही होगा कि नहीं। तो इस तरह से तीनों को लेकिन साथ में सोचना है, ये नहीं कि हम अपने अपने सेंस में बहुत अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोल रहा है ये पढ़ना चाहिए, सोसाइटी बोली कि नहीं हम लोग यही करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग कुछ और नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये तीनों को होलिस्टिक वे में सोच के आपको करिकुलम बनाना होगा, तब ही वो करिकुलम सक्सेसफुल होगा जी सर। और ये थर्ड अप्रोच जो है वो सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच है, इसको मैं डिस्कस, जैसे आप एक मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह से काम करती है उस तरह से ये सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच काम करता है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, ये दो तरह से है। तो आपका जैसे एक सिस्टम जिस तरह से काम करता है, एक मतलब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जाएंगे, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे वहां पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए कुछ काम किया जाता है। तो हमारा करिकुलम को भी हम लोग उसी तरह से देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे स्टूडेंट्स का नीड क्या है, वो क्या क्या उनकी
प्रीवियस नॉलेज क्या है, ये सबको ध्यान में रखते हुए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना होगा, क्या क्या उनको एक्टिविटीज कराना होगा, किस तरह से उनका व्हाट यू से डेवलपमेंट करना होगा, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से भी मतलब एक अप्रोच हो सकता है करिकुलम का, ठीक है। एक मिनट, चौथा जो है ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच है, जिसको कि मैंने बताया था कि ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच हो गया आपका इसका, जो मैं नॉन साइंटिफिक और नॉन टेक्निकल वाला जो बात कर रहे थे हम पहला दिन, उसके ऊपर है कि इसमें स्टूडेंट्स के नीड रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे एज टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू गेन एन ओपननेस टू एक्सपीरियंस टू व्यू लिविंग एज अ प्रोसेस एंड टू ट्रस्ट हिज आर ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस वो जो अनुभव करता है उसके आधार पे ही पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरह की बातें हैं। इट देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्टिव्स टू रिटेन डाउन एक्सप्लिसिटली एंड प्रिसाइसली, इन अदर वर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर इवॉल्व फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले से लिख के नहीं ले जाएंगे क्लास में, स्टूडेंट्स के अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे स्टूडेंट्स क्या अनुभव रखता है क्या जानता है उसके आधार पे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्लास में सुनिश्चित करेंगे। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हुआ, और ये बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं उदारवादी अप्रोच है। जैसे कि हम लोग ने बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को देखा, जो कि सबसे पहला अप्रोच था, वो बहुत प्रोडक्टिव अप्रोच है, उसमें अगर आप जाएंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकते हैं। लेकिन ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच बहुत अच्छा अप्रोच है, इसके तरफ हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें जो है वो अचीव करना टाइम टेकिंग है, और आपका टास्क को हेलो। तो ये इस तरह से आपका जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इस तरह से डिफरेंस है। लास्ट वन जो है वो रिकॉन्सेप्चुअलाइज्ड अप्रोच है, इट हैज एन एफिनिटी टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच, जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से मिलता जुलता है। However, it is much more critical of education and views that educational arena from an existential and exponent framework. Obviously, therefore, the objectives under this approach will be open-ended in nature. तो ये कहीं ना कहीं humanistic approach से मिलता जुलता है, लेकिन ये educational जो aspects, academic aspects है उसको मतलब ये नहीं कि उसको भूलने की बात करता है, उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात करता है कि ठीक है ह्यूमन के बारे में तो हम लोग सोचेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारे अप्रोच जो हमने बात किया, हमने पांच अप्रोचेस के बारे में बात किया, ये सारे अप्रोच अपने अपने जगह में इनका पॉजिटिव है निगेटिव है। तो जब हम लोग करिकुलम को डिसाइड करेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप हमारा गोल्स क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशंस का गोल क्या है, हम किस तरह का करिकुलम का बात कर रहे हैं, हम लोग स्टेट लेवल का बात कर रहे हैं, लोकल लेवल का बात कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्स का बात कर रहे हैं, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अप्रोचेस, सब चार पांच अप्रोच है उसमें से सुटेबल अप्रोच को हम लोग को सेलेक्ट करना है। All of these approaches have shortcomings, जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा है। The behavioral rational approach might be viewed as too structured and trivial, बहुत ज्यादा structured and trivial आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा उसमें strictness आपको दिख सकता है। The system manager can be viewed as technocratic, system manager जो है वो technocratic हो सकता है कि नहीं ये education के sector में नहीं, हम लोग कोई company में काम कर रहे हैं उस तरह का। The intellectual academic approach can be viewed as middle of the road, ये बीच का रास्ता दिखाता है। The objectives of the humanistic approach could be branched as vague, and the reconceptualist conceptualist approach also be criticized as not furnishing enough specific guidance. और ये सारे जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच, ये दोनों थोड़ा वेग है, इनको समझना, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। Informulating objectives, therefore, mostly we will be guided by an eclectic approach. Eclectic approach जो मैं बात कर रहा था कि सबको मिला जुला के आपको देखना है, आपके हिसाब से जो आपका curriculum suitable हो, जो
डायरेक्शन आपको सही लगे उसको लेके आगे बढ़ना है. However, the intention here is to acquaint you with a few approach to objective formulation. तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको appropriate approach को चुनाव करना है. तो ये मैंने आपको बात किया पहले कि आपका अप्रोच क्या होगा करिकुलम डिसाइड करने का इसके ऊपर. हेलो सर. हाँ बोलिए सर. ये कुछ अप्रोच पूछना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन पांचों अप्रोच है उनमें किस अप्रोच में जाएगा सर? वो भी एक अलग अप्रोच हो सकता है. ये तो पांच मैंने बताया वो और अलग से. अच्छा, वो अलग से है. ऐसा नहीं कि पांच अप्रोच है, और भी अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं. देखिए हमको तो थ्योरेटिकल चीजों को समझना है ना. थ्योरेटिकली अवेलेबल जो हमारा जो वर्ड सब है जो जो आपका वेल डिफाइंड एरिया है उसी के अंदर आपको बांधना है. इसके अलावा और भी अप्रोच सब हो सकता है. तो ये अप्रोच की फर्स्ट स्लाइड में जो टॉप बोलिए सर कहना था कि इसी का एक जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें लास्ट लाइन था प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइजेशन. तो इन दोनों में क्या मतलब रिलेशन है स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल में? ये तो उसका नाम ही जो आपको दिख रहा है उसी से पता चल रहा है. प्रोफेशनल मतलब टीचिंग प्रोफेशन हो गया सर. जैसे कि डिसेबल्ड के लिए अलग से कोर्स कराया जाता है तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और नॉर्मल के लिए अलग से होता है तो वो प्रोफेशनल. एक टीचर का जो प्रोफेशन होता है वो तो प्रोफेशन हो गया, लेकिन जब हम डिसेबल्ड अलग से कर देते हैं तो स्पेशलाइज्ड हो जाता है. हाँ उसी तरह से मैं बोलूंगा. आप लोग को ये पूछा जा सकता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो आप अपना स्पेशलाइजेशन पेपर लेंगे. आप लोग का थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर वो आपका स्पेशलाइजेशन होगा, है ना. तो इस तरह से आप लोग जा सकते हैं. प्रोफेशन इन जनरल हो सकता है. आप जनरल किस तरह से आप डॉक्टरी का ही पढ़ाई कर रहे हैं वो एक डॉक्टर आपका प्रोफेशन हो गया, लेकिन उसके अंदर में आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, सर्जरी है या क्या क्या इस एरिया में आप हैं, तो इस तरह से जैसे सब की बात करता है. तो ये हमने बात किया ओवरऑल अप्रोच जो होगा करिकुलम डिसाइड करने का. इसके बाद जो है सिलेक्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट. कंटेंट जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें हम लोग क्या चीज के बारे में ध्यान रखेंगे, जो हमारा करिकुलम जो कंटेंट होगा उसमें किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा. तो पहले इट इज द होल गैमेट ऑफ लर्निंग विच इंक्लूड्स. कंटेंट है क्या? इट इज द होल गैमेट ऑफ लर्निंग विच इंक्लूड्स फैक्ट्स ऑब्जर्वेशंस डेटा परसेप्शन डिस्कर्मेंट्स सेंसिबिलिटीज डिजाइंस एंड सॉल्यूशन रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन बींग्स कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ द एनवायरमेंट कंस्ट्रक्ट्स लाइक आइडियाज कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स प्लान सॉल्यूशन एक्सेट्रा एंड स्किल प्रोसेसेस वैल्यूज एक्सेट्रा. मतलब ये सारे चीज कॉन्टेंट हो सकते हैं. आपका जो भी पेपर है आपका जो भी सिलेबस है उसमें कॉन्टेंट का मतलब ये सारे चीज होते हैं. तो एक कंटेंट को सिलेक्ट अगर करना है तो वो कैसे कंटेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कंटेंट सुटेबल है कि नहीं, ये कंटेंट होना चाहिए कि. तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, 7 क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, जैसे कि सेल्फ सफिशियंसी सिग्निफिकेंस वैलिडिटी इंटरेस्ट यूटिलिटी लर्नेबिलिटी फिजिबिलिटी. ये सारे चीज उसमें होने चाहिए. सेल्फ सफिशियंसी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, लर्नेबिलिटी होना चाहिए एंड फिजिबिलिटी होनी चाहिए. इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं. सेल्फ सफिशियंसी का मतलब द कंटेंट सिलेक्शन शुड एम एट हेल्पिंग द लर्नर्स टू अटेंड सेल्फ सफिशियंसी इन मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर. इकोनॉमी ऑफ टीचिंग एफर्ट्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, इकोनॉमी ऑफ लर्निंग एफर्ट्स एंड इकोनॉमी ऑफ जनरलाइजेबिलिटी of the subject matter. Self-sufficiency of content helps students actualize their potential and
क्रिस्टलाइज देयर आइडेंटिटीज मोस्ट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब हो गया कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम लोग आसानी से समझ सके, व्यवहार में ला सके, यूज कर सके, उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर सके, तो वो सेल्फ सफिशिएंसी होगा। अगर कंटेंट इस तरह से वेग डिफाइंड है जिसको कि समझना मुश्किल हो, जिसको कि रियलाइज करना मुश्किल हो, जिसको कि हम इकोनॉमिकल बहुत बार 10 दिन एक ही चीज को पढ़े जा रहे हैं लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह के कंटेंट को हम लोग को सिलेबस में या करिकुलम में नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब इकोनॉमिकल वे में आप उस पर नॉलेज गेन कर सके, अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके, स्किल ये सब कर सके, तो आपका वो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपने आप में ही वो पूरा हो। ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ने से समझने से ज्यादा और कंफ्यूज हो गए, तो वो सेल्फ सफिशिएंसी वहां होनी चाहिए। दूसरा सिग्निफिकेंस, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो जो भी कंटेंट है वो सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इट पर्टेंस टू हाउ सिग्निफिकेंट द कंटेंट इज इन टर्म्स ऑफ इट कंट्रीब्यूशन टू द बेसिक आइडियाज कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा इन पर्टिकुलर लर्निंग एबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट नॉलेज इज, हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ इट रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर सोशियो एकेडमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इशूज। मत सिग्निफिकेंस का मतलब है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए वो काम कर सकता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, ठीक है, और एक कोई पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशू से जुड़ा हुआ है, तो वो कंटेंट सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट ये पूछेंगे कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ के क्या बेनिफिट है। तो इसलिए हमको हमारा कंटेंट जो होना चाहिए वो सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए उसका। उसके बाद उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इट इज एसेंशियल टू वे वेदर और नॉट द कंटेंट सिलेक्टेड इज ऑथेंटिक एंड मीट्स द डिमांड ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से। जैसे कि हमने जैसे आपका हर एक पेपर में ऊपर में ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि इस पेपर को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि जो कॉन्टेंट लिखा गया है वो कॉन्टेंट में वैसा कुछ है ही नहीं जिससे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, तो आपका पेपर का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स विल डेवलप दिस एबिलिटी डैट एबिलिटी, लेकिन कंटेंट जब आप देखने जाते हैं पेपर में तो वो कंटेंट है ही नहीं, तो उस कंटेंट की वैलिडिटी ही नहीं होगी। मतलब या तो मिसमैच कर रहा है, लिखा हुआ कुछ है और ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग है। इट इज एसेंशियल टू वे वेदर और नॉट द कंटेंट सेलेक्टेड इज ऑथेंटिक एंड मीट्स द डिमांड्स ऑफ एंड गोल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हाउएवर वैलिडिटी मोस्टली डिपेंड्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन टू व्हिच वी अडहियर। Nevertheless, the content we select should be valid. तो इसीलिए हमारा content जो होना है वो valid होना चाहिए। Interest, when we apply the criterion, students' interest aptitude becomes the deciding factor for selecting content. तो हमारा जो भी content है वो students को interesting भी लगना चाहिए, उनके interest पे भी आधारित होना चाहिए। The criterion of students' interest should be weighed and adjusted to allow for students' maturity, prior knowledge, experience. तो ये आपको interest उसमें कब आएगा? जब student content जो भी होगा उसमें interest कब आएगा? जब उनके previous knowledge पे based content हो, है ना? अचानक हम लोग एक class से दूसरे class में जा रहे हैं और हमारा content एक ही बार पूरा change हो गया, तो उनको interest नहीं आएगा content में। और student की maturity क्या आधार पे हो, स्टूडेंट जिस क्लास में है उसके आधार पे कंटेंट होगा तो इंटरेस्ट आएगा उसमें। तो इस तरह से हमको इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना है, तभी सही कंटेंट आपका रहेगा। यूटिलिटी, इट इज कंसर्न विद द यूजफुलनेस ऑफ द कंटेंट। हमारा कंटेंट कितना यूजफुल है ना, कोई कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितना यूजफुल होगा, उससे क्या क्या नॉलेज हम लोग गेन करेंगे, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हम लोग गेन करेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमको तरह तरह की चीजें सिखाने में, हमारा स्किल डेवलप करने में। हाउ द कंटेंट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू गेन एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ हिज आर सेल्फ आइडेंटिटी एंड टू अटेंड मीनिंग इन हिज आर लाइफ, इट्स डायरेक्ट एप्लीकेशन टू ऑन गोइंग लाइफ एंड टू सोशल एंड पोलिटिकल इशूज। मतलब वो कितना ज्यादा यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं अपने लाइफ में,
उसके आधार पे भी कंटेंट होना चाहिए। लर्नेबिलिटी, दिस क्राइटेरिया रिलेट्स टू द ऑप्टिमल प्लेसमेंट एंड एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट। तो लर्नेबिलिटी का मतलब है कि जो कंटेंट आपने रखा है वो कितना अच्छा से सीक्वेंस वे में सजाया है आपने, उसमें स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वो स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं, जैसे मीनिंग पढ़ा रहे हैं, फिर उसका नेचर पढ़ा रहे हैं, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर उसका एग्जाम प्रॉब्लम करवा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर्डनेस होना चाहिए। फर्दर इट एड्रेसेस इटसेल्फ टू द इश्यूज ऑफ एप्रोप्रिएटनेस फॉर द इंटेंडेड टारगेट ग्रुप। By selecting content, we should ensure that it is not out of the range of students' experiences, उनके experiences से बाहर ना हो, उनके abilities से बाहर ना हो, physical abilities, development and stages and cultural orientation. तो उनके अपने experiences, उनकी ability, उनका cultural belief, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए ही content होना चाहिए। And the last one is feasibility. फिजिबिलिटी का मतलब है कि हमारा कंटेंट को हम लोग सक्सेसफुली डिलीवर कर सकेंगे कि नहीं, उतना पढ़ाया जा सकेगा कि नहीं, उतना बच्चे समझ सकेंगे कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेस है कि नहीं उनको पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए, वर्क करवाने के लिए। तो हमारा जो कंटेंट है वो फिजिबल भी होना चाहिए। डिलिमिटेशन में भी इन टर्म्स ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, नेचर ऑफ पॉलिटिकल क्लाइमेट, कॉस्ट इन्वॉल्व एक्सेट्रा। And so when we select a particular content input, we should also have in mind both the resources available and possible constraints. हमारे पास क्या resources है उसको ध्यान में रखते हुए ही content आपको decide करना है। इसके बाद है कि हम इस content को organize कैसे कर सकते हैं। तो दो तरह का ये organization हो सकता है content का, एक logical organization, जैसे कि मान लीजिए कि ये topic के बाद ही ये topic आना चाहिए, ये यूनिट के बाद ये यूनिट आना चाहिए, तो ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ना। फॉर एग्जांपल इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर मेजर कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजर्स। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स लाइक कैपिटल, लेबर, ये सब पढ़ा के कोई फायदा नहीं। तो आपको लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेंट किस तरह से लॉजिकली सजा होना चाहिए वो ध्यान रखना है। दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें स्टूडेंट्स का एबिलिटी, मैच्योरिटी, उनके मेंटल एज, उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज, इनको ध्यान में रखते हुए हमको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो और इसमें ऐसा हो सकता है कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट के तरफ, सिंपल से डिफिकल्ट के तरफ, इस तरफ से भी मूव करना भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आधारित हो सकता है। तो ये हुआ आपका कंटेंट के बारे में, है ना। तो ये कंटेंट के बारे में मैंने बताया कि कंटेंट को हम लोग अगर कोई करिकुलम में अगर हमको रखना है तो उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। फिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनका यूटिलिटी होनी चाहिए, हेलो, ये कंटेंट आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है उसके पीछे का क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं बता रहा था कि आपका उसका यूटिलिटी आपको देखना है, आपकी फिजिबिलिटी देखनी है उसका, और क्या क्या बताए थे आपको, इंटरेस्ट देखना है, ये सारे चीज को आप वैलिडिटी देखना है सर, इंटरेस्ट देखना है। तो ये सारी चीज पे आप उसका कंटेंट डिसाइड करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि आपका ओवरऑल अप्रोच कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अप्रोच डिसाइड करने के बाद आप कंटेंट को आप सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपका होगा, और उसके बाद मैं आप बात कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंसेस के बारे में, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो आप देंगे उनको वो किस पे बेस्ड होगा। जो करिकुलम एक्सपीरियंसेस जो होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, जो आप मतलब एक्टिविटीज